अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर। सीरियसली व्हाट द फक आर यू डूइंग? सामने तो आपको नज़र ही आ रहा होगा कि आज हम इस ट्रैक्टर का रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना, मुकम्मल देखना। ये ट्रैक्टर फीएट है 640 और इसका जो मॉडल है 2017 है, तो लश कंडीशन में ट्रैक्टर खड़ा है। इसकी चेसी वगैरह का कलर भी ओरिजिनल है, गेयर बक्सा भी ठीक है बिल्कुल, और जो इसकी शो है वो बिल्कुल लश कंडीशन में खड़ी है। ये पैदान आपको सामने नज़र आ रहे हैं, तो ये भी कंपनी फिटेड है, तो असम्बली वगैरह से भी कहीं से भी लीकिंग नहीं है। तो 2017 मॉडल है, तो साफ ज़ाहिर है कि लश कंडीशन में होगा। ये इसका डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सारा डैशबोर्ड मतलब सारे मीटर बिल्कुल ओके काम करते हैं। तो ये इसका जनाब आ गया पंप, डीजल पंप। तो डीजल पंप साथ वाला या डेल्फी पंप होता है इन ट्रैक्टर को, जो अब मॉडल न्यू आ रहे हैं, तो कहीं से भी कोई लीकिंग वगैरह नहीं है। अगर कुछ लोग ट्रैक्टर ख़रीदना चाहते हैं वाकई में, तो इसकी जो लोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे आके ट्रैक्टर खुद चेक कर सकते हैं, नंबर पे ट्रैक्टर नहीं लिया जा सकता। ट्रैक्टर की लोकेशन है अड्डा कंडे वाला पुल, नज़दीक अहमदपुर शिरकिया मंडी जजमान वाला रोड पे ये शोरूम है, वहाँ पे ये ट्रैक्टर देखा जा सकता है, नंबर पे ट्रैक्टर बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। अगर आप फेस टू फेस आके बात करेंगे, ट्रैक्टर मैंने आपको दिखा दिया है, तो वहाँ पे ये ट्रैक्टर खड़ा है, तो आपको नंबर मैं नहीं दे सकता। वहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा है, ओरिजिनल हालत में खड़ा है, और इसको आपको टोटल मुकम्मल चेक करवा देंगे अगर आप ट्रैक्टर वाकई में ख़रीदना चाहते हैं। तो ये ट्रैक्टर किस्तों पे मिलेगा आपको, ये नगद भी मिल जाएगा और आपको किस्तों पे भी मिलेगा। ये अगले टायर आप देख रहे हैं तकरीबन न्यू टायर हैं, 14 आने तकरीबन टायर हैं। रिम वगैरह आप देख रहे हैं बिल्कुल बेदाग ट्रैक्टर खड़ा है, टोटल हिस्से से किसी हिस्से से भी कोई आवाज़ नहीं है, कोई काम नहीं होने वाला इस ट्रैक्टर का बिल्कुल भी। और ये इसकी दूसरी साइड पर जहाँ पे प्रेशर वगैरह होता है वो आप देख सकते हैं। तो 17 मॉडल है, तो साफ जाहिर है कोई लश कंडीशन में खड़ा है, कोई काम नहीं होने वाला। तो फ़िल्टर वगैरह भी आप देख रहे हैं, बाकी सब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी चेसी का कलर खड़ा है, तो कहीं से भी कोई ब्लो वगैरह नहीं मारता। और अगले हिस्से का और पिछले हिस्से का दोनों का मोबाइल पूरा है, पिछले टायर भी आपको दिखा देता हूँ, हीच वगैरह भी दिखा देता हूँ। इस ट्रैक्टर के साथ आपको शायद हीच ना मिले, बम्पर मिलेगा, छत नहीं मिलेगी, सीट की हालत भी आप देख सकते हैं। और इसके जो बॉडी गार्ड पे इंडिकेटर लगे हैं वो भी बिल्कुल ठीक चलते हैं, बिल्कुल ओके हालत में चलते हैं। ये इसके पिछले रिम देख सकते हैं, और जनरल के इसको टायर हैं, तो जनरल कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। टायर देख रहे हैं कहीं से बने हुए नहीं हैं, हिच नहीं आपको मिलेगी इसके साथ, आपको सिर्फ जस्ट टॉप लेंथ मिलेगी। गोडे वगैरह आप देख सकते हैं इसके, तो इस ट्रैक्टर की मैं जो प्राइस है वो बता देता हूँ, तकरीबन 11.5 लाख में ये आपको नेट मिलेगा, ये जस्ट डिमांड है। और किस्तों में तकरीबन 13.5-14 लाख में मिलेगा आपको, किस्तों पे तकरीबन 2 साल की किस्तें होगी, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे लेना चाहते हैं। तो आप कुछ लोग पूछ रहे होते हैं बाद में कि इसकी प्राइस क्या है, तो प्राइस मैंने आपको बता दिया है कि 11.5 लाख में तकरीबन ये नगद मिलेगा, आपको नगद पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हालत आप खुद ही देख रहे हैं इस ट्रैक्टर की, तो ये जस्ट डिमांड होती है, जस्ट डिमांड होती है मेरे भाई, कुछ डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप फेस टू फेस खुद जाकर मिलेंगे तो ये ट्रैक्टर आपको मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। और अगर आप ये ट्रैक्टर किस्तों में लेना चाहते हैं तो ये तकरीबन 13.5-13 लाख में आपको मिल जाएगा, तकरीबन 2 साल की किस्तें होगी, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मैं बोनट इसका खोल के दिखाता हूँ, आप बोनट चेक कर सकते हैं, अंदर से बिल्कुल साफ और लश कंडीशन में ट्रैक्टर खड़ा है, ये देख सकते हैं। तो जैसे जिस बंदे के पास रहा है उसने मुनासिब इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करने के भी कई तरीके होते हैं, बंदे कुछ तो धक्केशाही करते हैं, इससे ट्रैक्टर का नुकसान होता है, तो ऐसी चीज़ें नोट कर लिया करें। तो ये इस इलाके के जो ट्रैक्टर होते हैं ना, यहाँ पे गन्ना वगैरह और जो जोना वगैरह उसका काम बहुत कम होता है, तो इसलिए ट्रैक्टर को जो मार है ना वो थोड़ी पड़ी होती है, लोग इस इलाके के ट्रैक्टर ज़्यादा पसंद करते हैं, वो इसलिए कि इधर ट्रैक्टर को मार थोड़ी पड़ती है। जो पिछली साइड के सरगोदे वाले साइड पर या साई वाली साइड पे, साई वाल वाली साइड पे ट्रैक्टर होते हैं, उनको मार पड़ी होती है गन्ने की, तो गन्ने पे चले होते हैं। ये चेक कर सकते हैं टैंकी, इसकी जो टैंकी होती है वो तकरीबन 55 लीटर की, 55 से 60 लीटर की होती है, मेरे ख्याल में 60 लीटर की होती है। तो
शो वगैरह आपने देख ही लिया है, लास्ट कंडीशन में ट्रैक्टर खड़ा, प्राइस मैंने आपको बता दिया और लोकेशन बता दी है। अगर यही वीडियो आप मेरे कहीं पे फेसबुक पे देख रहे हैं ना, या कहीं पे फेसबुक पेज पे या किसी ग्रुप में देख रहे हैं, तो मेरा चैनल है मुर्सलीन ट्रैक्टर, हैशटैग मुर्सलीन ट्रैक्टर। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर मुख्तलिफ ट्रैक्टर फार सेल होते हैं और मेरा चैनल फार सेल जस्ट फार सेल ट्रैक्टर के लिए होता है। कुछ ट्रैक्टर की मैं परफॉर्मेंस भी चेक करवाता हूँ, तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ ट्रैक्टर की वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप ट्रैक्टर लवर हैं तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्टर मिल जाएंगे, ज़्यादातर आपको फीएट ओल्ड मॉडल नज़र आएंगे, तो फार सेल होते हैं और मुनासिब कीमत में होते हैं और उनका नंबर वगैरह और लोकेशन वगैरह दी होती है। ये आपको मुकम्मल ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ, नीचे से भी बेदाग ट्रैक्टर है, कहीं से कोई आवाज़ वगैरह नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, कम से कम 10,000 तो लाइक होने चाहिए इस वीडियो पे, 10,000 लाइक बनते हैं यार। तो वीडियो को लाइक कर दे। रिम वगैरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यह ट्रैक्टर पठानों के पास खड़े होते हैं और यहाँ पे अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं ट्रैक्टर, कोई मतलब कोई ख़राबी वगैरह नहीं होती। अपनी टीम ने डिसाइड किया है कि हर लाइक करने वाले को और सब्सक्राइब करने वाले को मिलेगा। नो गॉड प्लीज नो नो नो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।